एकल विद्यालय की आचार्यों को संग्रह में दिया गया एक दिवसीय योग प्रशिक्षण। उपमंडल संग्रह में कार्यरत एकल विद्यालयों में मौजूद 30 के करीब महिला आचार्यों के लिए शनिवार को एक दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्राथमिक शिक्षा प्रमुख द्रोपता शर्मा द्वारा इस दौरान मौजूद आचार्यों को योग संबंधी क्रियाओं पर प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के दौरान मौजूद आचार्यों को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। संगठन संच के लिए आयोजित इस शिविर के दौरान आचार्यों के अलावा एकल संगठन के कुछ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रमुख द्रोपता शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में बच्चों की इम्यूनिटी अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने के लिए संगठन द्वारा एकल विद्यालयों में योग क्रियाएं करवाने का निर्णय लिया गया है। संग्रह में हुए सभी 94 कोविड सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव। स्वास्थ्य खंड संग्रह में शनिवार को हुए सभी 94 कोविड सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। इससे पूर्व शुक्रवार को यहां कोविड सैंपल नहीं हो सके थे, जबकि पिछले 3 दिनों में यहां कुल 3 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। शनिवार को क्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस न पाए जाने से क्षेत्रवासी उत्साहित है तथा लोगों को अब यहाँ कोरोना पर नियंत्रण की उम्मीद जगी है। इस माह अब तक 39 के करीब कोरोना पॉजिटिव केस क्षेत्र में पाए जा चुके हैं। कोरोना काल में क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पदों को लेकर क्षेत्रवासी चिंतित है और इस दौरान संगड़ा अस्पताल में जहां डॉक्टर के 4 में से 3 पद खाली है, वहीं स्वास्थ्य खंड के 26 में से 14 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में एक भी हेल्थ वर्कर न होने के चलते इनमें ताले जड़े हैं। कर्मियों के खाली पदों के चलते क्षेत्र में कोरोना वायरस संबंधी जागरूकता गतिविधियाँ प्रभावित हो रही है। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ा डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने बताया कि शनिवार को हुए सभी कोविड सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई।